रहमान रहीम। आज हम मज़ीद कुछ MCQs करेंगे ECAT 2020 की तैयारी के लिए। ग्रैंड यूनिफिकेशन थ्योरी के बारे में MCQs आता है कि ये पाकिस्तान के किस साइंसदान का इसमें हाथ था पेश करने में। वैसे तो 5 साइंटिस्ट थे इसमें शामिल, लेकिन पाकिस्तानी जो थे वो डॉक्टर अब्दुल सलाम और इसी वजह से उनको नोबेल अवार्ड भी दिया गया था। सन इज़ डैश टाइम ग्रेटर दैन द अर्थ, ये तकरीबन 13 लाख गुना ज़्यादा बड़ा है सन अर्थ से। अच्छा, क्रामर्स रूल में जो एक्स निकालने का फार्मूला पूछ सकते हैं, डी एक्स अपॉन डी होता है, वाई का क्या होगा, डी वाई अपॉन डी। द सेंटर ऑफ दिस सर्किल इज एट, ये इक्वेशन दी हुई है सर्किल की, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, इसका सेंटर कहाँ है, ओरिजिन पे, सही, कैसे, ये इक्वेशन होती है ना। ये होती है जनरल स्टैंडर्ड इक्वेशन। तो इसमें अगर एच और के ही ज़ीरो हो जाए तो क्या होगा, ये ज़ीरो हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा सिंपल ओरिजिन पे। ए इफ़ ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी, देन ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी, ये कौन सी प्रॉपर्टी लगाइए, कंपिडेंट हो एंड डिविडेंड हो, इफ डिस्क्रीमेंट इज ज़ीरो देन रूट्स आर रियल, एक्यूट एंगल इज लेस देन 90 डिग्री, हु करेक्ट न्यूटन्स फार्मूला ऑफ साउंड, लैपलास मैथमेटिशियन था जिसने लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन भी बनाई थी, इसने करेक्ट किया था। यूनिट ऑफ स्ट्रेस, स्ट्रेस का यूनिट वही होता है जो प्रेशर का होता है पास्कल, क्योंकि इसकी डेफिनेशन भी वही है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसका यूनिट है, और एसआई यूनिट जो है वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर किसके बराबर होता है, पास्कल के। वाटर बॉयल इन नॉर्दर्न एरिया बिलो 100 डिग्री, क्यों, क्योंकि वो एल्टीट्यूड इनका ज़्यादा होता है, वहाँ जाके प्रेशर 760 टॉर से कम हो जाता है, तो वाटर बॉयल होगा 760 टॉर पे 100 डिग्री पे, सही है, इससे अगर ऊपर चले जाएँ तो फिर नीचे आएगा, अगर 760 टॉर से प्रेशर बढ़ा दें तो 150-200 तक होगा। वॉट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ लेवर ऑफ थर्ड काइंड, लेवर ऑफ थर्ड काइंड की डायग्राम देख लें, इस तरह का होता है, यहाँ फलक्रम, यहाँ एफर्ट लगाते हैं, ये लोड, ठीक है, इसकी एग्जाम्पल कोहनी है, वो इसकी एग्जाम्पल ह्यूमन आर्म जो होता है ना, बाजू वो है। इफ़ एफ आर इज इक्वल टू एफ वन इज इक्वल टू एफ टू, वाट इज़ द एंगल, सिंपल सा है, इसको क्या ले लें, एक्स के बराबर ले लें, तमाम चीज़ें बराबर है तो एक्स के बराबर ले लें। फार्मूला क्या होता है, एफ आर इज इक्वल टू कॉस थीटा, सही, इसमें सबकी जगह एक्स लिख दें, तो 120 डिग्री आ जाएगा। अब इसको स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड, एक्स स्क्वायर हो जाएगा ये, ठीक है, यहाँ पे क्या करें आप, 2x स्क्वायर हो जाएगा ना, यहाँ से 2x स्क्वायर कॉमन निकाल लें, एक स्टेप में खा गया हूँ, यहाँ 2x स्क्वायर, ये 2x स्क्वायर हो जाएगा ना, अगर इसको यूँ कर यहीं प्लस कर दें, सही है, प्लस कॉस थीटा, स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, ठीक है, ये हाफ हो जाएगा, हाफ माइनस वन, 120 डिग्री आ जाएगा, सही है। अब इसके आगे आप कर लीजिएगा, 1 kW इज इक्वल टू डैश जूल, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो किलो का मतलब क्या होता है, 10³, यानी कि 1000, वाट का मतलब जूल पर सेकंड, आवर का मतलब 3600 सेकंड, सेकंड से सेकंड कट गया, 3600 3600, और ये 30 और आ गए, 1, 2, 3, इतने जूल होते हैं। फार्मूला ऑफ स्पीड ऑफ सेटेलाइट, वी इज इक्वल टू जी आर ई, जी आर होता है, आर ई नहीं होता, लेकिन
अगर और अर्थ के करीब रिवॉल्व कर रही है तो वो आर जो होता है वो आर ई के बराबर हो जाता है। ये होगा फार्मूला इसका। चार्ज ऑन प्रोटॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पे एक ही चार्ज होता है, इतना कूलम। सही है, बस ये होगा पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन बनाएगा। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ वाटर इन कैपिलरी, कैपिलरी का जो ये बनता है ना मेनिस्कस, ये एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट कहलाता है ये। अगर ये होगा तो ये हो जाएगा। वाटर में तकरीबन जीरो होता है, 0 डिग्री तकरीबन जीरो। फॉर्मूला ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, हाफ के एक्स स्क्वायर। सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ट्राइंगुलर प्लेट, इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस।